हाय फ्रेंड्स, दिस इज केडी शिवम। आज के हमारे संडे का वीडियो का टाइटल है ड्रीम्स एंड डिजायर्स मैनिफेस्टेशन, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ दोस्तों, राइट, आप अपनी इच्छा अनुसार आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन आपका स्ट्रांग डिजायर होना जरूरी है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू शो हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, राइट। तो ये वीडियो देखते रहिएगा लास्ट तक, सो दैट आपको बहुत काम आएगा। किस तरह अपने सपने साकार हो सकते हैं वो चीज हम सिखाएंगे, ओके? और ये प्रूवन है ये भी बताएंगे, राइट। दिस इज पॉसिबल, इट्स नॉट एनी मैजिक और इट्स नॉट एनी जादू और टोना, राइट। इट इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक किया नहीं हो, और वो बेल आइकन प्रेस करना सो देट आपको मिलता रहे हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन। सो दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, और ये समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। रमेश जब स्कूल में पढ़ता था ना, उसके स्कूल घर से काफ़ी दूर था, तो हमेशा स्कूल की तरफ वो चलते चलते रोज जाता था। तो रास्ते में वो आलिशान बंगले, विला, ये सब देखता था, लग्जरियस कार्स, राइट। लोग खर्चा जो करते हैं, जो लोग अमीर लोगों को देखता था, राइट। और उन लोग के जो शौक जो होते हैं, राइट, पैसे खर्च करने का स्टाइल, ये वो खरीदने का, ये सब चीज़ें देखता था। तो उसे भी एक इच्छा होती थी, उसको भी बहुत अच्छा लगता था। तो वो हमेशा ये सोचता था कि मैं भी बहुत बड़ा अमीर बनूँगा, बड़ा होकर मैं बहुत बड़ा अमीर बनूँगा और मेरा एक बहुत बड़ा विला होगा। उस विला का जो गेट होगा ना, वो हाथी के ट्रंक से ऐसा बंद होगा, और जब वो ट्रंक ऊपर करेंगे तो गेट खुलेगा। इतना यूज गेट होगा, और उस गेट के अंदर से, उस रास्ते से, वहाँ से मेरी कार, जो सबसे लेटेस्ट कार होगी, वो जाएगी और एंट्रेंस के बाहर खड़ी रहेगी। और फिर बहुत सारे सर्वेंट्स बाहर आएंगे, उनके हाथ में सिल्वर थाली होगी, उसमें चॉकलेट्स होंगे, सिल्क होगा, बिस्किट्स होगा, मुझे जो जो पसंद है वो हर एक थाली में होगा, और मुझे जो पसंद है वो लेके मैं खाऊंगा। और फिर अंदर जाके बहुत बड़ा हॉल में एक डाइनिंग टेबल होगा, उस टेबल में सारी चीज़ें जो मुझे पसंद है वो भरा होगा, और मुझे जो चाहिए वो इस तरह मैं खा सकूँ। ये उसका सपना था, ये उसकी इच्छाएं थी। दिस इज कॉल्ड डिजायर्स, राइट। लेकिन दोस्तों, जैसे आप अभी सोचते हैं ना, वैसे ही रमेश ने भी सोचा, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ए मिडिल क्लास स्टूडेंट, राइट। तो वो सारी चीज़ें भूल गया, बड़ा हो गया, जॉब कर रहा था, और जैसे एक आम आदमी की तरह जॉब से घर, घर से जॉब, बस उसकी ज़िंदगी कट गई और उसकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई, उसकी मौत हो गई। अब क्योंकि वो बहुत अच्छा बंदा था, बहुत ही सीधा साधा था, उसको स्वर्ग दिया गया। तो स्वर्ग के गेट में उसके अप्सराएं इंतज़ार कर रहे थे, उसे रास्ते ले जा रहे, और वो अप्सराओं के साथ उन चलने लगा। चलते चलते रमेश अचानक रुक गया। उसने देखा कि उसके लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा गेट है। दोस्तों, उस गेट में दो हाथी अपने ट्रंक के साथ उस गेट को बंद करके रखा है। ओ गॉड, उसने सोचा, ये तो मैंने नीचे सोचा था, वो गेट इधर है। तो उसे और इच्छा हुई, उसने वो गेट को खोला और इस तरह खुल गया। और वो जब अंदर गया तो वहाँ देखा उसने एंट्रेंस के पास द लग्जरियस कार, सबसे लेटेस्ट कार वहाँ खड़ी है। और फिर वहाँ आगे देखा तो बहुत सारे सर्वेंट हाथ में सिल्वर थाली लेके खड़े। रमेश तो पागल हो गया। रमेश बोले, ये सब यहाँ है, मैं तो इसे धरती पे सोच रहा था, ये सारी चीज़ें तो मैं धरती पे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यमराज ने तो यहाँ रखा है, कहाँ है यमराज? तो अप्सराएं उसको यमराज के पास ले जाते हैं, और वो चिल्लाने लगा कि आप क्या करते हो, ये सारी चीज़ें तो मैंने धरती पे सोचा था, लेकिन आपने ऊपर रखा है उसे। तो बोले, हाँ रमेश, हम क्या करें, आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे थे, तो आप जब भी कुछ सोचते थे मैं तुरंत उसको बना देता था, उसकी तैयारी कर देता था, लेकिन आप सिर्फ सोचते रहे, कभी मुंह खोल के मांगा ही नहीं। अगर आप एक बार भी मांगते तो मैं इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को धरती पे भेज देता, लेकिन आपने मांगा नहीं, और यूं ही आपकी ज़िंदगी कट गई। रमेश को बहुत अफसोस हुआ,
दोस्तों, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कभी भी आप कुछ सोचो, राइट, और दिल से सोचो, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑलवेज बिकम्स अलाइव। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, मैंने नहीं डिजायर नहीं कहा, स्ट्रॉन्ग डिजायर। कुछ भी आपकी इच्छा हो, लेकिन उस इच्छा में अगर आपने तीव्रता मतलब एक स्ट्रांगनेस डाल दिया, तो वो साकार हो सकता है। आपके ड्रीम्स भी क्या है ये बताता हूँ। व्हाट इज ड्रीम? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ड्रीम। ड्रीम इज नथिंग बट डिजायर्स मेड बाय अनकॉन्शियस माइंड। वी हैव टू माइंड्स, राइट, वन इज अनकॉन्शियस एंड अनदर इज कॉन्शियस। ये जो ड्रीम में पिक्चर चलते हैं ना, वो सब अनकॉन्शियस माइंड, वो सारी आपकी इच्छा ही है, आपके थॉट्स हैं। तो वो जो है फिल्म के रूप में चलते हैं। तो वो जो ड्रीम है, दे आर द डिजायर्स ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड और अनदर डिजायर्स विथ योर कॉन्शियस माइंड। तो उस अनकॉन्शियस माइंड में से आपको कॉन्शियस माइंड में लाना है, उस डिजायर को आपको थॉट में चेंज करना है, उस थॉट को आपको एक्शन प्लान में चेंज करना है, और आप देखिए आपका सपना साकार हो जाता है।